नमस्कार किसान भाइयों, किसान खेती ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस समय बैक्टीरियल रोग फसलों में, धान की फसल में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी से फैल रहा है किसान भाइयों, जिसे हम बैक्टीरियल ली ब्लास्ट बोलते हैं किसान भाइयों, इंग्लिश में BLB भी बोल देते हैं, और इसको हिंदी में किसान भाइयों हम पत्ता झुलस रोग बोलते हैं। पत्ते झुलसने लग जाते हैं किसान भाइयों, और यह एक संक्रमित रोग होता है किसान भाइयों, ये एक दूसरी फसल से भी दूसरे खेतों में फैलता है किसान भाइयों। इसमें पत्ते झुलस जाते हैं, ऐसा लग जाता है जैसे पत्ते जल गए हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को किसान भाइयों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर किसान भाइयों आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो किसान भाइयों उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह किसान भाइयों रोग एक खेत से दूसरे खेत में फैलने वाला रोग है किसान भाइयों, इसकी रोकथाम समय पर करनी चाहिए किसान भाइयों, सा नहीं तो सारे पत्ते आपके झुलस जाएंगे किसान भाइयों, और पत्तों पर ये धब्बे जैसे रोग हो जाते हैं किसान भाइयों। ये देखिए, जैसे कि पत्ता जल गया हो, ये इस तरह का हो जाता है किसान भाइयों, पत्ता जलने जैसा हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना है किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों, जो मैं विश्वास करता हूँ किसान भाइयों, ड्यूपोंट का कोसाइड आता है किसान भाइयों, पर एकड़ में डाले किसान भाइयों 2000 उसका नाम होता है कोसाइड 2000, और एक स्ट्रेप्टोसिक्लाइन होता है किसान भाइयों, जो मैं आपको स्क्रीन पर दोनों की आपको फ़ोटो आपने देखी होगी, ये दोनों मिला के किसान भाइयों आप स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक होता है किसान भाइयों, और यह बहुत ही अच्छे से इसको कंट्रोल करता है किसान भाइयों। यह इस खेत से इस खेत में फैला है किसान भाइयों, ये देखिए पूरा फैल चुका है, ये देखिए किसान भाइयों, फंगस एक अलग रोग होता है किसान भाइयों, ये बैक्टीरियल बीमारी होती है किसान भाइयों, जिसे हम बैक्टीरियल मतलब कि फंगस से अलग होती है किसान भाइयों, यह हवा में भी फैलता है किसान भाइयों, मौसम में टेम्परेचर जैसे कई बार गर्मी बढ़ जाती है तो फैलता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, हवा जैसे कभी गर्म सर्द हो जाती है हवा किसान भाइयों, टेम्परेचर में यह बढ़ता और फैलता है किसान भाइयों। इसकी कंट्रोल के लिए मैंने आपको बताया, आप इसका स्प्रे करें 150 लीटर पानी में, और बिल्कुल खेत को स्प्रे करें तो पौधे बिल्कुल तर हो जाएं, 150 से 180 लीटर भी पानी आप ले सकते हैं, नहीं तो 150 लीटर तो लेना ही लेना है किसान भाइयों। हमारे किसानों में यही कमी रह जाती है किसान भाइयों, हम स्प्रे में थोड़ा लालच कर लेते हैं किसान भाइयों, टंकी कम कर लेते हैं किसान भाई, हम 7 टंकी की जगह 5 टंकी का इस्तेमाल कर लेते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, कम से कम 8 टंकी करनी चाहिए 20-20 लीटर की, 160 लीटर पानी, जिससे पौधे पूरे तर हो जाएं किसान भाइयों, ऊपर से नीचे तक दुआ पूरी फैल जाए। और किसान भाइयों, एक और तरीका है इसको रोकथाम करने का, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और उस खेत में ये फैला भी नहीं है जो हमने प्रयोग किया हुआ है। एक तरीका किसान भाइयों उसका ये है, आप अपनी मेड़ों की पूरी सफाई करते किसान भाइयों, जैसे हमने ये सफाई करवाई हुई है किसान भाइयों, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम पूरी मेड़ सफाई, बिल्कुल देख सकते हैं किसान भाइयों, आप मेड़ों को इस तरह की पूरी सफाई करें किसान भाइयों, तो इस रोग का प्रभाव नहीं होगा किसान भाइयों बिल्कुल भी। ये देख सकते हैं किसान भाइयों आप, मेड़ बिल्कुल साफ। और किसान भाइयों, यह है जो एंटीबायोटिक है, कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ती हमें, बहुत ही सस्ती पड़ती है। और किसान भाइयों देखो, इन खेतों में कोई शिकायत नहीं है, और लेकिन एक और शर्त है किसान भाइयों, हमने इनका पानी भी सुखाया हुआ है, खेतों में बिल्कुल पानी नहीं है किसान भाई, खेतों का पानी ज़रूर सुखा दें, खेतों में पानी नहीं होना चाहिए, और हमारी मेड़ इस तरह की होनी चाहिए तो यह बीमारी नहीं फैलेगी। देख सकते हैं आप किसान भाइयों मेड़, ये देखिए किसान भाइयों आप मेड़ देखें, बिल्कुल एकदम साफ किसान भाइयों। ये होता है तरीका किसान भाइयों अपनी फसल को रोगों से बचाने का, क्योंकि कोई भी बीमारी जो है किसान भाइयों मेड़ से ही फैलती है, दूसरे खेत से ही दूसरे खेत में फैलती है। ये हमने अपने खेतों में बिल्कुल सफाई करवाई हुई है किसान भाइयों, आप देख सकते हैं, तो कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है किसान भाइयों। इसको बोलते हैं हम पत्ता झुलस रोग किसान भाइयों,
ब्लाइट, शीत ब्लाइट अलग रोग होता है किसान भाई, वो एक तरह की फंगस होती है, लेकिन ये किसान भाइयों बैक्टीरियल बीमारी होती है। इसके लिए आप एंटीबायोटिक का ही प्रयोग करें, और आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये दोनों मिल दवाई मिलाकर 150 लीटर पानी में स्प्रे कर दें। धन्यवाद किसान भाइयों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें किसान भाइयों।